नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोफ़ा फैब्रिक के बारे में। इनफैक्ट ऐसा फैब्रिक जो आप सोफ़ाज़ के अलावा और भी कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे वीडियो में हम आपको बहुत सारे क्रिएटिव टिप्स हैं वो शेयर करेंगे। हम आ गए हैं कीर्ति नगर में लोकेटेड सर्वोदय ट्रेडर्स, हमारा फेवरेट स्टोर है। वी कीप ऑन कमिंग हियर बिकॉज वी हैव बीन शॉपिंग फ्रॉम हियर। दे हैव अनदर स्टोर लोकेटेड इन सुल्तानपुर। अगर आप दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जा रहे हैं तो ये आपके उल्टे हाथ की तरफ पड़ेगा। अगर आप गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जाएँ तो ऑब्वियसली ये आपके राइट हैंड साइड में पड़ेगा, नेक्स्ट टू फेनेल शोरूम और रसील गुजराल जी जो कि इंटर डिज़ाइनर हैं उनके स्टूडियो के पास में। डायलॉग्स बाय निर्मल जो स्टोर है उसके नीचे आपको ये मिल जाएगा स्टोर। अगर आप स्कीम्स को अवेल करना चाहते हैं तो एंड ऑफ द वीडियो हम आपको कुछ स्कीम्स भी बताएंगे। Hello Sanjeev, how are you sir? I'm doing fantastic, thank you very much. Same here. Welcome to Clap Trap. Thank you sir. Okay, हाँ, ये आपके और हमारे बीच के conversation का catch phrase बन गया है जी, कि coming to Sarvoday is like coming home. Right. We have done more than 100 episodes. More than 100 sir. Century हो गई हमारे पास. Yes, century हो गई हमारी, yes. ठीक है, and there's a huge addition. And Clapper family has become pretty large now. Yes. A lot of people have joined us recently. Yes. And I'm sure they'll be as curious as the old previous viewers are. Right. About Sarvoday. Sarvoday, yes. Yeah. So we'll start with the basic question. What is Sarvoday all about? Yes. Yeah, please tell us. Yes, sir. Sarvoday is a furnishing brand. We are Sarvoday Traders based at 66 Furniture Block, Kirti Nagar, New Delhi. And we deal in home furnishing products ranging from sheer curtains, main curtains, upholstery fabric, wallpapers, carpets, rugs, drawers, channels, cushion cover, and anything that is related to home furnishing that we have. All right. And Sarvoday has become a paradise for all the interior designer and architect. Yes. This is what we have been experimenting. Sure. We have been experiencing right. also. Mm-hmm. Hello, Patak ji. जी. कैसे हैं आप? बढ़िया सर. आप बताइए, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई. हाँ, बहुत दिन बाद, थोड़ा बिजी रहे. जी. Today's topic is very important. Talking about sofa fabric and वो तो पीरियड ऑफ थिंग्स हैव चेंज, अगर आप देख रहे हैं तो अब चेंज हो गया माहौल जी। लोग जो है अब सोफ़ास को नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिशनली क्या होता था कि लोग फर्नीचर यूनिट स्टोर में जाते थे, जो अवेलेबल होता था स्टोर में उसको लेके आते थे और अपने घर में फिट कर लेते थे। नाउ पीपल अंडरस्टैंड, सोशल मीडिया हैज़ बिकम सो पॉपुलर एंड एक्टिव, नाउ पीपल हैव चेंज देयर माइंडसेट। अब लोग चाहते हैं कि उनका हर फर्नीचर यूनिट बाकी फर्नीचर यूनिट से और रेस्ट ऑफ द डिज़ाइन से एक कलर कोऑर्डिनेशन में रहे आपस में, राइट। लेकिन अब भी ऑप्शंस भी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, राइट। यू हैव गॉट ऑल काइंड ऑफ स्वेड, जूट, लिनन एंड जैकार्ड, बहुत सारे फैब्रिक आ गए। एक तो फैब्रिक के बेसिस पे, दूसरा डिज़ाइनिंग के बेसिस पे भी सोफ़ाज एंड फर्नीचर यूनिट के फैब्रिक में कन्फ्यूजन भी खूब सारा है, खूब सारा है, राइट जी। चलिए ठीक है, आज हम वो दूर करने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन कि जो हम फैब्रिक रख रहे हैं हमारे पास फर्नीचर के लिए जी। फर्नीचर में हम इंक्लूड कर रहे हैं सोफ़ाज, कुशन कवर्स, हाई बैक चेयर्स, डाइनिंग चेयर्स, रनर्स, इंक्लूडिंग बेड लिनन्स, बेडिंग्स, बेड कवर्स, all of them put together and including curtains. But our focus is going to be on the sofa and furniture, not the vertical part. Even in the जो back paneling होती है ना उसमें भी लगता है, right? उसके basis पे हमारे पास कौन कौन से fabric हैं? सर स्वेड है, वेलवेट है, ठीक है, जूट फिलिस है, लीलन में है, या बेड में, सोफे में, ये सारे फैब्रिक हमारे पास हैं जो कि फर्नीचर में इस्तेमाल होते हैं। चलिए ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर्स जो है वो कुछ एक बेसिक रूल हैं, आई थिंक ऑल द क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स दे आर अवेयर कि इनको कैसे डिसाइड करना है। कि कभी भी आप, जब भी आप फर्नीचर के लिए फैब्रिक चूज़ कर रहे हैं तो एक ही फैब्रिक को आपको दोनों के लिए चूज़ करना है, प्रिंट के बेसिस पे नहीं, फील के बेसिस पे। जैसे अगर आपने वहाँ पे प्रिंटेड तो आपने लिया है एक फैब्रिक और यहाँ लिया है प्लेन या टेक्सचर वाला, टेक्सचर, लेकिन ये दोनों बिलोंग करते हैं स्वेड को, स्वेड को, right? फैब्रिक सेम है, फैब्रिक सेम है, ये इनका फील जो है वो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेवर ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, आई मीन डू नॉट यूज टू डिफरेंट फैब्रिक बिकॉज दे विल नॉट लुक गुड। तीसरा क्या होता है कि जब भी आप जिस एरिया को आप फील करते हैं, जो सीटिंग एरिया है और जो आपका हाथ का मूवमेंट होता है, जैसे ये सब एरिया जी, यहाँ पे आप सॉफ्ट फर्नीचर, सॉफ्ट फैब्रिक यूज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। तो फर्नीचर को के लिए जब भी आप फैब्रिक खरीद रहे हैं तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। रफ एंड हार्श फर्नीचर, सॉरी फैब्रिक नहीं लेना आज। आई डोंट आई नो व्हाई आई एम फंबलिंग सो मच, आज मेरी जुबान इतनी क्यों अटक रही है आपकी? हाँ,
नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम बता रहे थे कि ये वाले पार्ट में जब भी आप फैब्रिक लें तो ये सॉफ्ट फैब्रिक होना चाहिए क्योंकि आप इसको फील करते हैं। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट डस्टिंग ईजी है। ओके, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है मार्टिनडिल। फिर हम क्रिएटिव इनपुट की बात करेंगे कि जो मार्टिनडिल हैं इनके बाकी फैब्रिक जो आपके कर्टन्स में यूज़ होते हैं उनके मुकाबले इनके ज़्यादा होते हैं क्योंकि कर्टन्स को आप फील नहीं करते, रब नहीं होते हैं वो, तो दे आर इन द वर्टिकल स्पेस कम्पेयर टू विजावेज सोफाज पे जो जो फैब्रिक यूज़ होता है उनका मार्टिनडिल GSM हाई होता है क्योंकि उसका रब काउंट मैटर करता है। जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के घर बनाते हैं लोग उनमें लोग स्वेड यूज़ करते हैं, जो लोग क्लासिकल एंड एथनिक स्टाइल का घर बनाते हैं उनमें लिनन एंड कॉटन पॉपुलर है जी। जो लोग कमर्शियल स्पेसेस में फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए लेदराइट। बैड बैग्स जो है क्योंकि जहाँ पे ऑयल के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे लेदराइट बहुत पॉपुलर है क्योंकि ईजी टू क्लीन होता है, जीरो मेंटेनेंस होता है। एंड दे ऑल आर अवेलेबल इन डिफरेंट सेगमेंट्स ए ग्रेड टू सी ग्रेड। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन एवर यू आर चूजिंग फ्रॉम द स्टोर। सो दिस इज द पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल द व्यूअर्स। नाउ द क्रिएटिव पार्ट, जब भी आप सोफा के लिए फैब्रिक खरीद रहे हैं तो आप उसका सबसे पहले डिज़ाइन डिसाइड कर लें जी। अगर कार्विंग फर्नीचर है तो आपकी पॉलिश के अकॉर्डिंगली ले लें। अगर आपके पास गोल्ड पॉलिश करा रहे हैं तो आप उसके साथ कोई भी गोल्ड एंड येलोज के टोन की आप फैब्रिक ले सकते हैं, बेज भी ले सकते हैं, फैब्रिक कोई भी ले लो। थ्रो सन हम ऐड करेंगे तो घर की पूरी फैमिली एज हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो आप कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट एक मिस्टेक है जो नहीं करनी है, जो नहीं करना है वो बता देते हैं। जैसे ये फ्लोरल है इसको यहाँ पे पूरे पे नहीं बिछाना है, दिस विल नॉट लुक गुड। चेस्ट फील्ड ले रहे हैं तो भी आप फ्लोरल और पैटर्न डिज़ाइंस को, ओरिएंटल डिज़ाइन को और ये ट्रॉपिकल डिज़ाइंस को अवॉइड करें। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फ्लोरल को और टेक्सचर को बड़े अच्छे से बैलेंस किया है। यू कैन डू दिस, ऐसे कर सकते हैं आप अगर आप इसको थोड़ा बिजी बनाना चाह रहे हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक सेट है कि फ्लोरल पार्ट को हमेशा बैक साइड में, हालांकि मुझे लगता है कि दिस नॉट अप्रोप्रिएट, ये भी कोई ठीक तरीका नहीं है। आप जो फ्लोरल है और डिज़ाइन है वो पैटर्न की तरफ पीछे की तरफ रखें, पीछे की तरफ, और जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है और फ्रंट है उसको आप प्लेन रखें, दैट विल लुक नाइस इन केस यू वांट टू प्ले सेफ। प्लेन वो कर रखने पे ना आपका सोफा थोड़ा सा बड़ा दिखता है, हाँ हल्का दिखाई देगा, रूम बड़ा दिखाई देगा, वरना ये ऐसा लगेगा जैसे ये है इसमें मुझे लगता है कि देयर इज अ मिस्टेक जी, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर ये डिज़ाइन है ना जी। और अब जो चल रहा है ट्रेंड वो ये है कि यहाँ तक दिस पार्ट, इतने पार्ट तक आप जो है इस तरफ बाहर की तरफ आप डिज़ाइंस रखते हैं, बाकी अंदर की तरफ आप प्लेन रखते हैं, राइट जी। और पीछे का क्वेश्चन है वो भी आप रखें, ये इस तरह से आप इस्तेमाल करें। कार्विंग फर्नीचर में कभी भी प्रिंटेड कपड़ा मुझे नहीं लगता अच्छा दिखता है, नहीं। आप जितना प्लेन रखेंगे उतना अच्छा दिखाई देगा। कार्विंग में मैसलू प्लेन या जैकार्ड, जैकार्ड वो भी हल्के, जैकार्ड में भी आज हमारे पास ऑप्शंस हैं। जैकार्ड का जो ओरिजिनल वर्जन था रिमेम्बर वो बहुत रफ होता था, फील अच्छा नहीं होता था उसका, अब हमारे पास अच्छे वर्जन अवेलेबल हैं जी। और सबसे सेफ बेट बताऊँ आपको, अगर आप कार्विंग फर्नीचर ले रहे हैं और उसमें आपको वो फैब्रिक लगाना है तो स्वेड बहुत अच्छा लगता है। अब स्वेड ने भी जैकार्ड को रिप्लेस कर दिया है जी। स्वेड स्वेड बहुत अच्छा फैब्रिक है, या जूट फिनिश में स्वेड फैब्रिक आया है अच्छा, जो आप उस सोफे भी यूज कर सकते हो कार्विंग। वन मोर टिप फिर उसके बाद में बहुत सारा हम फैब्रिक देखेंगे और प्राइस जानेंगे। लास्ट टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वाटर मार्किंग फैब्रिक थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि वो आपके सोफाज पे वाटर मार्क छोड़ेगा, हैंड प्रिंट छोड़ेगा, दैट विल नॉट लुक नाइस। वो फैब्रिक को खरीदिए जिससे कि आपके फैब्रिक पे निशान नहीं आते, राइट जी। चलिए अब देखते हैं जी। चलिए ठीक है, बहुत सारा ओवरडोज कर दिया मैं आपको, सारी वैरायटी ठीक है डन। ये पूरा कैटलॉग है हमारा है ना जी, ये भी सोफाज का है और ये जितने कैटलॉग्स आप देख रहे हैं सारे के सारे सोफा फैब्रिक हैं जिसमें बहुत सारे डिज़ाइन हैं, हम नहीं कवर कर पाएंगे लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो दिखा देते हैं ठीक है। ऑल सेट टू गो जी, लेट्स स्टार्ट नाउ क्विकली। माय फेवरेट, वी विल स्टार्ट विद दिस, दिस इज माय फेवरेट, वी विल स्टार्ट विद दिस वन। व्हाट इज दिस फैब्रिक, ये कौन सा है सर? ये जूट फिनिश है। ओके, एज वी सेड deliberately we said this in the beginning of the video that jute is actually for the people, those who use lot of wood, जो लकड़ी बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने फर्नीचर में उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ये। इसी की मैं बात कर रहे थे ना, जो कार्बन के सोफे होते हैं ना वो डिजाइन की जगह ना आजकल ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जूट भी लोग यूज़ कर रहे हैं जी, जी। लेकिन आपको पॉलिश को हाई ग्लॉस नहीं करना होगा, फिर वो मैट फिनिश रखना होगा जी, जी, जी। राइट, अगर हाई ग्लॉस पॉलिश है तो फिर स्वेड यूज़ करना है जी, स्वेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से बता दूं हमारे व्यूअर्स को कि आपकी पॉलिश के आइडिया के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हाई ग्लॉस पॉलिश है तो आपका फैब्रिक भी हाई ग्लॉस में होना चाहिए, और अगर आपका मैट फिनिश है तो आप जूट इस्तेमाल कर लीजिए। राइट,
वुड के ऊपर ये बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है जी। इनके क्या क्या कलर्स रहे शुरू से क्विकली दिखा दें हमारे व्यूअर्स को। दिस इज ग्रीन, मस्टर्ड, लाइट मस्टर्ड, बेज, बेज, बेज का लाइटर वर्जन, राइट। I don't know the names, but a lot of colors are available. Millions of colors are available. This dark brown. Okay. Okay. This is available. Black में है हमारे पास किसी और version में, किसी और catalog में black मिल जाएगा? Black मिल जाएगा। मुझे तीन concern है इसमें, तीन color बहुत popular हैं। एक है black, एक है grey, और इसके अंदर एक आता है जो जो more towards olive side में होता है, वो भी है हमारे पास, है ना? हाँ, मिल जाएगा। ठीक है। ये कितने का है? सर इसके MRP है 695. After less है 450. ऑल राइट, ठीक है। एक सोफा में, एक सीट में लगभग 3 मीटर के आसपास लगता है। चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, विल चेक आउट ये कैटलॉग में क्या है फैब्रिक। सर अभी नई कलेक्शन आई है जी। एक मिनट फील कर लें जरा इसको, ऐसा नहीं जाने देंगे। ये फील होने में अच्छा है, सॉफ्टर देन जूट से ज़्यादा, इट्स मोर सॉफ्ट देन जूट। जैसे इसकी लुक जैसे लीलन की, बट सॉफ्टनेस इसमें स्वेड की है। स्वेड ही है पर लुक आपकी लीलन को देगी। जो हमने इससे पहले देखा था उसका मार्टिनडेल अप्रॉक्सीमेटली रब काउंट जो है 50,000 था। इसका जो ये वाला कैटलॉग था 50,000 रब काउंट था। इसका रब काउंट कितना है अप्रॉक्सीमेटली? ऑलमोस्ट 78,000 रुपीज़, सॉरी 78,000 रब काउंट है जी। ऑलराइट, सो दिस इज मोर देन एनफ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। इसके कलर्स दिखाइए, और शेड्स ऑफ ग्रे, डार्क ग्रे, डिफरेंट ग्रे, ब्लड ऑफ ग्रीन, ब्लू, दिस इज द कलर आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इसका जो एल कॉर्नर सोफा लोग लेते हैं अपने घर में, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलर्स, दिस वन एंड दिस वन इज़ वेरी पॉपुलर। एल कॉर्नर सोफाज में ये बहुत अच्छा दिखाई बहुत देता अच्छा है। ठीक है, इस बार ये नए कलर ऐड हुए हैं। अच्छा, ब्लू में बिल्कुल नए कलर ऐड हुए। ठीक है, ये अपने ब्राइट नहीं लगते। डन, वेरी स्ट्रॉन्ग बोल्ड कलर, इन केस यू वॉन्ट टू यूज देम एज अ स्टेटमेंट कलर, एंड दे शुड नॉट बी यूनिफॉर्मली ऑल ओवर, दे शुड बी वेरी केयरफुली चोजन। बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है ये, है ना? दिस इज ऑल्सो फॉर द स्मॉलर साइज ऑफ यूनिट। रस्ट कलर है जी, रेड है, रस्ट है, ये मैरून है, मैरून है। ओके, ठीक है। ये मोव, ओके, ग्रीन, ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है, येलो, एंड देन नियॉन कलर जी। ओके, सुपर गुड, माय फेवरेट कलर्स, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग दीज वंडरफुल कलर्स। In case you are planning something in an embroidery, and go for these things. They are very nice, beautiful colors. Yeah. You can use them carefully. Blindly, not carefully. I take my words back. Let's go to the next one now. These are the colors available in this, and this is very nice. Satan this is very good for straight line sofa also. जी. अगर इसका जैसे आपने अभी सोफा बनाया हुआ ना? जी. उसका straight line होगा यहाँ पे. जी. ये चीज़ आप bed की back में भी use कर सकते हो. Bed के? Bed में. Oh, that's a good idea. Yeah. Okay, done. This is also high martindale, good GSM, and let me show you the price now. Black is not available in this. Black milega aapko. ठीक है. The price of Motic is 995 rupees, available for 650 rupees per meter. Per meter. चलिए, let's go to the next one now. ये क्या है हमारे पास stone finish में? Yes, suede. हाँ, स्टोन फिनिश वेड, यूज़ इट केयरफुली। इसको भी ओवरऑल किसी फर्नीचर यूनिट के ऊपर नहीं यूज़ करना है जी। और जैसे आप 3 सीटर लेते हैं, 3-1-1, 3-2-2, 3-1, 3-2-1, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पूरे सोफाज पे फैला देते हैं, ऑल ओवर बनवा लेते हैं। हाँ, वो अच्छा नहीं दिखेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। ये लगेगा अच्छा आपका हाई बैक चेयर के ऊपर या सोफाज के बैक साइड, राइट? ठीक है, यूज़ इट केयरफुली, ये आपके कॉम्बिनेशन में ही जाएगा अच्छा जी। अब इसमें कलर आप देख सकते हैं, कलर काफ़ी अच्छे हैं। इसके अंदर आप बहुत सारे लोग जो है चेस्टरफील्ड भी करा लेते हैं जी। वो भी नहीं कराना है, चेस्टरफील्ड के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये इट्स सो बिजी ऑलरेडी, है ना? बिजी भरा हुआ है, है ना जी? ठीक बात है। वैसे स्ट्रेचेबल है ये? स्ट्रेचेबल है। ओके, ठीक है। ब्लू, ये स्टेटमेंट चेयर्स के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। डन, इसमें ब्लैक है, नॉट माय फेवरेट, बट क्रिएटिवली किसी घर में आराम से मैच हो सकते हैं ये वाला पैटर्न। ग्रे ब्लैक है। अच्छा, ठीक है। क्या प्राइस है इसका? सर इसके MRP है 795, आफ्टर लेस है 495। चलिए, ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, क्विकली दिखाते हैं। नाउ कमिंग माय फेवरेट, ये नेक्स्ट कैटलॉग है, स्वेड है। अच्छा, जूट के अंदर लुक है। एक मिनट, स्वेड कैसे हो सकता है? तो जूट है। अच्छा, दिस फील्स लाइक जी जी जी। अच्छा, एक मिनट दिखाई। ओह, दैट्स नाइस। ओके,
ये स्वेड है जी, लेकिन फील लुक इसका जो है कॉटन वाला है, जूट जूट का दे दिया गया। ठीक है, डन। अच्छा नाइस, ये भी बढ़िया है। ब्लू ग्रेज, डार्क ब्लू, दिस इज इजी टू मेंटेन, इसमें मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा ना कोई भी? नहीं। ओके चलिए ठीक है। और कलर्स दिखाइए इसके, बोल्ड कलर्स भी हैं इसमें। सॉरी प्लीज गो अहेड, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेट मी शो दिस वन एंड माय फेवरेट ग्रीन एंड गुड फॉर 3 seater. ओह नाइस कलर्स, वेरी न्यूट्रल शेड्स, इजीली एब्जॉर्बेबल, आराम से किसी भी घर में यू कैन सेटल हो जाएंगे ये। ओके चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। ओके लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन में डस्ट कलेक्ट होता है, बट दैट्स नॉट सो ट्रू, आप नॉर्मल डस्टिंग करेंगे तो ये साफ हो जाएगा। दिस इज द कलर आई वॉज लुकिंग फॉर, ब्लैक। इसकी हाइविंग, इसके जो रिवर क्रॉस सोफाज हैं जिनमें नीचे स्कर्ट जैसा लटका रहता है उस, वो बहुत अच्छे दिखते हैं इसके। चलिए लेट्स चेक आउट द प्राइस, क्या प्राइस है? 895 MRP है, आफ्टर लेस 575। ओके चलिए लेट्स गो टू थेम्स रिवर। व्हाट इज दिस, ये कौन सा फैब्रिक है? ये कौन सा फैब्रिक है? सर वेलवेट, थोड़ा सा हल्का है, फ्लीस नहीं है इसमें, ये बहुत सॉफ्ट है। अभी नई कलेक्शन आई है। अच्छा, इसमें कलर बहुत ऐड हुए। मार्टेंडल भी इसका अच्छा है। कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली ये? आप 30,000 के आसपास है। ठीक है डन। और जो जो अपर रेंज के मार्टिंडल जाते हैं जैसे 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000 वो है हमारे पास कुछ, लेकिन उनके प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा होंगे। प्राइस रेंज ज़्यादा, हाँ वो 900 रुपीज़ के आसपास होगा, मिल जाएगा सर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है डन। इसमें हमारे पास कलर अवेलेबल है, मैंगो येलो, then we have got this orange. Then we have maroon. This is burgundy. This is sea green. Green. It's more looking more like bottle green, but it is actually green, but looking like blue. This is olive green. Okay, mehndi green you call it. We call it as olive green. This light blue good for carving furniture. This fabric is the one I was talking about. Perfectly suitable for carving furniture. Please go ahead, color dikhate jaiye. And blues. According to your polish, you can choose the color. ये वो कलर्स हैं जो आप आराम से ऑल ओवर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। 311, 322 कार्विंग में बहुत अच्छे दिखाई देंगे। थोड़े स्लिपरी होते हैं ये, तो 3 seater में थोड़ा सा केयरफुली इनको यूज़ करना है, ठीक है ना जी। चलिए डन विद दिस। इसका क्या प्राइस रेंज रहा? इसके MRP है 895, आफ्टर लेस 595। ठीक है डन। ठीक है नेक्स्ट वन ना, अभी बहुत सारे बाकी हैं हमारे पास। ये क्या है? ये स्वेट है, ये टेक्चर है इसके अंदर। अच्छा स्वेड विद टेक्चर, टेक्चर ठीक है। जब भी स्वेड विद टेक्चर होगा तो याद रखिए ओवरऑल इनको यूज़ नहीं करना है जी। दे आर मेंट फॉर हाइविंग चेयर और एल्स दे हैव टू यूज़ वेरी रैशनली इन योर मेन सोफाज, मतलब थोड़े से एरिया में इनको इस्तेमाल करना है जी। चलिए कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं इनको जी। सर इसमें ये स्वेड के अंदर है, इसके अंदर सीमर है, शाइन है थोड़ा जी। ओके ये इसके कलर है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा हाइविंग के लिए। ठीक है ब्लू बर्गंडी रेड ग्रीन, ये मार्टिंडल इसका होगा अराउंड 30,000-40,000 इसका। हाँ इसका आपका 75 है। ओके प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस भी ज़्यादा होगा फिर इसका थोड़ा। मार्टिंडल मतलब रब काउंट होता है कि आप एक फैब्रिक के ऊपर कितनी बार हाथ घुमा सकते हैं जी। कलर दिखाते जाइए आप, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें जितने भी टेक्सचर थे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बस 311 में कंप्लीट ओवरऑल यूज़ नहीं करना है, अवॉइड दैट, है ना। चलिए ठीक है, इसका क्या प्राइस रेंज है? इसके MRP है 1,095, आफ्टर लेस है 695। ठीक है डन। फॉरेस्ट का दिखाइए, ये कौन सा फैब्रिक है? स्वेड। अच्छा ये भी स्वेड है, स्वेड के अंदर काफ़ी वैरायटी है। अब हमको क्योंकि बहुत सारे कैटलॉग अभी और भी देखने हैं, इसके कलर्स आप हमें ऐसे दिखाई दीजिए, है ना फटाफट फटाफट, ये सारे कलर्स ब्राउन ब्लू ग्रीन जी टर्कोइज़ ब्लू। इनके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता है कि जब भी आप लार्ज साइज यूनिट ले रहे हैं तो थोड़ा सा इनको अवॉइड कर लें। इसके बाद जो कैटलॉग आ रहा है दैट इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल कैटलॉग,
ये क्या फैब्रिक है, क्या मार्टेंडल है, मतलब क्या इसका प्राइस है और क्या मार्टेंडल है? सर इसका मार्टेंडल है 30,000। अच्छा जी, इसके MRP है 795 आफ्टर लेस है 495। ओके, नाउ दिस इज़ माय फेवरेट, मुझे अच्छा लगता है हाई बैक चेयर के लिए ये। हमने इनकी हाई बैक चेयर देखी है बनी हुई जी, बहुत अच्छे से लोग मैच कर देते हैं इनको, और बेड के बैग भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। राइट, पीपल आर नॉट एक्सपेरिमेंटल, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ओके, इसी के साथ ये थीम बनी हुई है। अब अगर सोफा बनाते हो तो बैक में ले सकते हो, सीट और आर्म्स में ये प्लेन यूज कर सकते हो। ठीक है, डन। दोनों का मार्टेंडल सेम है जी। ओके, चलिए अब इसके कलर ऑप्शंस दिखाइए हमको। ऑलिव ग्रीन प्लस प्लेन ग्रीन, मतलब ये दो ऐसे ही दिखेंगे जी। ओके, यू विल सी बर्गंडी, विल यू सी प्लेन बर्गंडी, येलो प्लस प्लेन। ओके, हाई बैक चेयर में और डाइनिंग में भी ऐसे इस्तेमाल करना है। अगर आपकी डाइनिंग टेबल ऐसे कहती है कि पीछे की तरफ आप प्रिंट वाला ले लें, आगे की तरफ आप प्लेन वाला ले लें, है ना। ये तो वो सारे स्पेसेस हो गए जी जहाँ पर आपकी फॉर्मल सीटिंग होती है। लेकिन अगर आपका सोफ़ा का यूजर्स के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि किसी भी फर्नीचर यूनिट को आप कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं तो मार्टेरियल थोड़ा उसका हाई लीजिए, तो नहीं तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, है ना। इसमें जो आपके ये सेल्फ प्रिंट वाले हैं ये आप कुशन में भी बहुत यूज होता है। अच्छा, अरे जो बड़े कुशन होते हैं 24x24 20x20, अच्छा बहुत अच्छा निकल के आता है। ओके डन, इसमें भी हमने घर बैठे हुए बहुत सारे आपको शेड्स दिखा दिए। आई होप दिस विल सॉल्व ऑल योर फैब्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम। प्राइजेस जी, इसमें प्राइजेस जो हैं, जो प्लेन फैब्रिक है उसके MRP है 795 आफ्टर लेस है 495, जिसमें सेल्फ वर्क है वो उसकी MRP है 1050 आफ्टर लेस है 595। डन, ये कौन सा कलर, ये कौन सा कैटलॉग है? नेक्स्ट, ये सब नई कलेक्शन आई है अभी, नवादा कलेक्शन है। अच्छा, ये क्या फैब्रिक है? स्वेड है। ओके, काफ़ी रिजनेबल रेंज के अंदर लाए। देखते हैं वो तो अभी पता चलेगा जब हम प्राइस देखेंगे। जी जी, लेट मी सी द फील, बहुत अच्छा इसका फील है। ओके, लेट मी सी द कलर्स, यू विल सी क्विकली ग्रे एंड देन लाइट ग्रे, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। जी, लाइट ग्रे। ओह ओके, यूज़ इट केयरफुली, इट्स अ वेरी डेंजरस कलर, ध्यान से यूज़ करना है इसको, अदरवाइज आपका फर्नीचर ख़राब हो जाएगा। मतलब उसको पार्शली यूज़ करना है, बहुत बैलेंस तरीके से। जी, ऐसे कुछ ब्राइट कलर ना कॉफ़ी वगैरह में नहीं यूज करके डालते हैं ब्राइट। अच्छा जी, कैफेज में जी। ओके डन, मस्टर्ड। इसके अंदर फ्लीस है, इसकी बैकिंग बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग अच्छी बैकिंग है। ठीक है, डन। ये क्या प्राइस रेंज में? सर इसके MRP है 695 आफ्टर लेस है 425। इसमें ये कौन सा फैब्रिक है अभी? नेक्स्ट, स्वेड है सर। अच्छा, स्वेड के अंदर बहुत सारी वैरायटी। ओके, इसमें डिजाइन है, टेक्सचर है पूरे में। ओके डन, ये क्या प्राइस रेंज में? इसके MRP 695 आफ्टर लेस 425, सेम रेंज है। चलिए, टेक्सचर अलग है। हम कुछ लेदराइट का भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे आने का, इज इट कमिंग? अभी लेदराइट भी दिखाते हैं। ये क्या सर, जो मार्टेंडल की बात करी थी, हैवी मार्टेंडल स्वेड के अंदर। क्या मार्टेंडल है इसका? इसका है 1,00,000 मार्टेंडल। ओह अच्छा, ठीक है। सो दिस कम्स अलोंग विद द वारंटी, दिस लास्ट लॉन्ग, दिस लास्ट एज लॉन्ग एज फॉर एवर। ओके, वी विल चेक कलर्स इसके जी। ओके, हाई एंड में है सारे के सारे ये, यू कैन यूज देम इजीली फॉर ऑल 3-seater, 4-seater, 2-seaters, पर प्रेफरेबली 3-2-2 में, और कार्विंग में भी अच्छा लगता है। कार्विंग में भी अच्छा लगता है, क्योंकि कलर्स में शीन है ना इसमें जी, इसलिए ये कार्विंग में भी अच्छे दिखाई देंगे, डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिश चॉइस, जो भी आप पॉलिश को चूज कर रहे हैं। राइट, ठीक है। येलो मस्टर्ड, मस्टर्ड है ये, ब्राउन एंड देन दिस मरून। मरून, क्या प्राइस रेंज है इसका? सर इसकी MRP है 1725 रुपये, आफ्टर लेस 1150। ठीक है, हमारे पास इससे भी ऊपर रेंज है? इससे ऊपर भी रेंज है। चलिए, बट हम लोग अभी दिखा रहे हैं लेदराइट। अब लेदराइट दिखाते हैं आपको। ओके, लेदराइट की जो ब्यूटी है वो ये है जी, कि जी, आपके बार है, स्टडी है, कैफेटेरिया है, कॉफ़ी स्टोर है, कमर्शियल स्पेसेस, हेडबोर्ड ऑफ योर हेड, मतलब बेड के हेडबोर्ड में जी, इन सगे पे जहाँ पे कि यूजेस ज़्यादा है और लो मेंटेनेंस, अगर आपको फैब्रिक चाहिए तो लेदराइट यूज करिए। राइट, ठीक है, जीरो मेंटेनेंस चाहिए। दिस फील्स मोर लाइक लेदर और ये थोड़ा रफ होता है, कमर्शियल स्पेसेस में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये। ये प्योर लेदराइट है, काफ़ी रुलेबल है। अच्छा, क्रेक भी नहीं होती। ओके डन,
ईजी टू मेंटेन, इनमें छोटे छोटे जो ग्रूव्स होते हैं लोगों को लगता है उसमें कचरा जमेगा, ऐसे नहीं होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलिए, ऐसे नहीं। दीज आर अवेलेबल इन ऑल द कलर्स। इसके हमारे पास ब्राउन टोन भी हैं क्या? ब्राउन टोन भी है। ओके, लेदराइट का एक और कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू वेदर। दे से दैट दिस इज नॉट हीट रेजिस्टेंट एंड इट विल फेड आउट इफ इट इज टू हॉट एंड टू कोल्ड, बट दैट्स नॉट सो ट्रू बिकॉज these leatherites are extremely durable and now it will depend on the quality you are choosing. It doesn't come with any kind of backing. पीछे है इसमें backing? नहीं सर, सब में backing नहीं है, लेकिन leatherite आता है backing के साथ? backing के साथ भी है। वो महंगा होगा थोड़ा, backing से फ़र्क पड़ता है उसकी लाइफ पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ सॉफ्टनेस पे तो फटता है। नहीं, सॉफ्ट है। अच्छा, दीज आर ऑल सॉफ्ट। जी जी, ओके, ठीक है। इसमें और भी सॉफ्ट दिखाऊंगा आपको मैं। इसकी जो फ्लीस रहती है ना पीछे, कहते हैं उससे उसकी लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, वो बढ़ जाती है लाइफ, है ना? जी जी। चलिए, इसका क्या प्राइस रेंज रहा सर? इसके एम आर पी 595, आफ्टर लेस 325 रुपीज़। ठीक है, डन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सर ये देखिए, ये क्या है? ये भी विदाउट बैकिंग है, लेदराइट है। बहुत काफ़ी अच्छे मटेरियल का है, काफ़ी सॉफ्ट। ओह अच्छा है, विदाउट फ्लीस है, लेकिन फिर भी इसमें स्ट्रेंथ देखिए कितनी है। इसके कलर हैं, ओके, ये देखिए, नाइस, सुंदर कलर है, चेरी कलर है जी, ब्लू है जी। ये क्या प्राइस रेंज में? 650 एमआरपी है, आफ्टर लेस 395। ठीक है, इसी लेदराइट में ये अल्लग कलेक्शन है। अच्छा, ये टेक्सचर में, थोड़ा टेक्सचर में ये लेदराइट। ये क्या रेंज में सर? इसकी रेंज है 695, आफ्टर लेस 375। ठीक है, इसके कुछ कलर्स दिखा दें। इसमें भी हमारे पास बोल्ड एंड डार्क दोनों साइड के शेड्स हैं, कलर बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, डन, विल गो टू द नेक्स्ट वन। अगला देख लें, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना जी। ये क्या फैब्रिक है? ये भी लेदराइट है। इसका क्या मार्ट हैंडल है? इसका मार्ट हैंडल है आपका 60,000। अच्छा, तो ये विद फ्लीस है? ये विद फ्लीस। आई लाइक इट लाइक दिस, मुझे तो पसंद है। आई डोंट नो, फ्लीस मुझे लगता है थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है, सॉफ्टनेस भी बढ़ जाती है। सॉफ्टनेस है, काफ़ी अच्छी है, इसे चेस्टर फील वगैरह ये चीज़ बहुत अच्छा रिच लुक आता है। ठीक है, ब्राउन है। हम वहाँ बात कर रहे थे राकेश जी के साथ में, तो उन्होंने बताया था कि इसके लोग ना जैकेट्स भी बनवा लिए, लोग जैकेट बहुत बन वेरेबल भी बन सकते हैं, आप पहन भी सकते हैं इनको जी। बट ये होता है कि बस सिर्फ मार्टिनल की बात है, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि ये कट फट ना जाए, अदरवाइज के वेरिएबल्स भी बनते हैं, जैकेट भी बनवा सकते हैं आप इनमें से। नाइस, कलर टोन्स ऑफ न्यूट्रल के शेड्स हैं सारे। ठीक है, ये क्या प्राइस रेंज में? इसके एम आर पी 695, आफ्टर लेस 450। डन, ये क्या है सर? ये स्वर्ल्ड लेदराइट है, दिस इज नेक्स्ट लेवल जी। जैकार्ड हम नहीं रखते, जैकार्ड रखते हैं अभी है हमारे पास जी, जैकार्ड। ओके सर, इस ये देखिए आप, ये स्वर्ड लेदराइट है, जीरो मेंटेनेंस फैब्रिक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा जी, बहुत अच्छी। ओके, ये बेड बैग, सोफा, इसका क्या मार्टिनडल होगा? ये मार्टिनडल होगा 1,00,000+ है। अच्छा, देखिए स्टिचिंग भी है इसमें यहाँ पे, तो कैटलॉग से पता चल जाता है इसकी क्वालिटी का। ऐसा फील है कि ये फैब्रिक ना आपको ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मी में गर्म लगे ठंडे में ठंडा, फैब्रिक बिल्कुल मोर लाइक लेदर जैसा ही है, है ना? बट दिस इज नॉट लेदर, दिस इज प्योरली सिंथेटिक मटेरियल। फील जो है उसका लेदर वाला है। इसका मटेरियल इज 1,00,000+ एंड इसका प्राइस है? कलर देखिए सर, ब्राउन में है, ब्लू में है, ब्लू में है। इसके एम आर पी है 1,395। अच्छा, आफ्टर लेस है 825। चलिए ठीक है, आप बोल रहे जैकार्ड है, एक कैटलॉग हम जैकार्ड का भी देख लेते हैं। और पाठक जी, एक ऐसा फैब्रिक जो अंडर रेटेड फैब्रिक है, लोगों को इसके बारे में कम पता है, दिस इज़ कॉल्ड जैकार्ड। इसे टेक्निक जैकार्ड एक टेक्निक होती है जिसके अंदर इसको बनाया जाता है जी। ये जनरली मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मिसयूज होने वाला फैब्रिक है जी, क्योंकि ये बहुत ख़राब ग्रेड में भी आता है। हाँ। और ये आप देखें, कार्विंग के फर्नीचर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा रफ फैब्रिक है ये दुनिया का जी। इससे ज़्यादा रफ फैब्रिक कोई नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन अगर आप इसको अच्छे ग्रेड में खरीदते हैं जैसे हमारे पास है ये जी, तो ये कभी भी रफ फील नहीं कराएगा आपको। इनफैक्ट इसका जो फील है वो स्वेट जैसा ही है जी, जी। राइट सर, इसकी बीविंग भी है जो ये बीव है, यान लगे हुए हैं, 16 यान के अंदर बीव है। हाँ,
तो मैं दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे द मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स वाचिंग दिस वीडियो व्हेनेवर यू आर बाइंग फर्नीचर यूनिट ऑलवेज आस्क देम व्हाट इज द फैब्रिक इफ इट इज जैकार्ड देन मेक श्योर इट फील्स गुड बिकॉज जैकार्ड इज अवेलेबल इन डिफरेंट सेगमेंट्स फ्रॉम ए ग्रेड टू डी ग्रेड एंड इवन लोअर देन दैट राइट चलिए सो दिस इज गुड क्वालिटी जैकार्ड यूज देम इन योर सोफाज स्पेशली कार्विंग सोफाज लेट्स स्टार्ट विद दिस डिजाइन एक कैटलॉग हम दिखाएंगे बट हमारे पास बहुत सारे कैटलॉग हैं इसके चलिए नेक्स्ट दिखाइए ओके अब एक्सपेरिमेंटल होने वाली बात है आपको कार्विंग फर्नीचर में अगर कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है तो इस तरह के डिज़ाइन आप ले लें दिस विल लुक वेरी नाइस इन द सिंगल चेयर अगर आप जो चेयर बनाते हैं लोग कार्विंग की डाइनिंग चेयर उसमें भी बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि ये कट नहीं होता जी। इनको लार्ज साइज यूनिट में यूज़ करना है क्योंकि इनके पैटर्न्स कट जाएंगे तो खराब लगेगा है ना तो ये तो चलिए फिर भी ठीक है लेकिन जैसे ये पैटर्न है इसको छोटे एरियाज में कभी यूज़ नहीं करना है इनको बड़े स्पेस में यूज़ करना है अदरवाइज ये फ्लावर्स कट जाएंगे ये भी बड़े में लगेगा बड़े है ना एरिया में यूज सोफाज पे लगेगा इसको स्ट्रिक्टली थ्री सीटर सोफाज पे यूज़ करना है या टू सीटर सिंगल सीटर पे नेवर ट्राई टू यूज देम ऑन डाइनिंग चेयर्स इट मे कट दिस विल लुक गुड एज अ चेयर डन सो दीज आर द डिफरेंट शेड्स ऑफ जैकार्ड हमारे पास मार्टिनडेल्स की अगर बात करें तो किस रेंज के मार्टिनडेल के जैकार्ड होते हैं दिखाते जाइए और बताते जाइए सर जैकार्ड में मैंने हैवी ही क्वालिटी रखी है तो इनका मार्टिनडेल वही 80 प्लस ही मिलेगा सर अच्छा ठीक है और हमारे पास बिगनिंग रेंज क्या है जैकार्ड की पर मीटर से अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली एक रफ आइडिया ऑलमोस्ट 825 से स्टार्टिंग होती है ठीक है वैसे मार्केट में आपको ये 200-300 रुपए पे 150 में भी मिल जाते हैं है ना लेकिन वो ऐसे होते हैं क्वालिटी ऐसे नहीं हाँ जैसे बॉब वायर के ऊपर आप बैठे हो वैसा वो आपको फील कराएंगे दीज आर द थिंग्स अवेलेबल अगर आप कहीं से कार्विंग का फर्नीचर बनवा रहे हैं तो आप यहाँ से फैब्रिक चूज़ कर लीजिए उनको दे दीजिए और ये आपका फैब्रिक वाओ दिस विल लुक वेरी नाइस सिंगल चेयर्स में बहुत अच्छा दिखाई देगा है ना ये भी बहुत अच्छा पार्ट है दिस इज़ वेरी नाइस बहुत अच्छा है ये ऑलराइट इसका प्राइस रेंज है 1400 रुपीज पर मीटर आफ्टर लेस 825 चलिए डन एंड ऑफ द शो नाउ वी हैव टू गो बैक एंड थैंक यू वेरी मच हम जितना हो सका हमने नॉलेज शेयर करी जितना हो सका हमने डिज़ाइन दिखा ली इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है जी हमारे पास कस्टमर आए मुझे घर की थीम शेयर करें तो हम ऑटोमेटिक मैच करा देते हैं ऑलराइट थैंक यू वेरी मच सोफा कार्टन कारपेट ऑल थिंग ओके ठीक है थैंक यू वेरी मच वेलकम सर वेरी गुड ऑफर बट बिफोर दैट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी हैड ऑन द लास्ट ऑफर आई विल शो यू सम टेस्टिमोनियल्स ऑलराइट लेट्स चेक दैट आउट यस के बारे में आपके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वीडियो देख के ही मैंने सिलेक्ट किया है नवनीत ने काफ़ी हेल्प किया मेरे को काफ़ी टाइम भी लगा ऑप्शन दिखा के और सिलेक्ट करने में बट स्टाफ बहुत फ्रेंडली है एंड काफ़ी कोऑपरेटिव है टाइम टू टाइम काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स भी देते हैं तो ईजी रहा उस हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का प्रोसीजर एंड फाइनल गिफ्ट आइटम्स भी जो ऑनलाइन निकाले हैं वो काफ़ी खूबसूरत और क्वालिटी आइटम्स हैं ये आपका बेस्ट विनर ऑफ फोर आपको ये कैसा लगा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा परचेज पे आपने आपको हमने जी 12,000 की परचेज करी और हमें ये 7,000 का गिफ्ट मिला थैंक यू वेरी मच विनर ऑफ द डेकोरेटिव आइटम As I told you the offer, the on the scratch card, okay. Swapping value would be 10,000. Mm-hmm. So what we have just displayed the all the gifts. Okay. The gift gallery, this is called gift gallery. So we have got candle stand, this is like in a candle stand. Right. You can put a tea light over here. Okay. And then that will illuminate and the light comes out of these. This grill. Portion of the grill, yes. Okay. So you can win either of these candle either stands? This, yes. Then or? Then the ceramic cups. These bottles, are handmade, I guess. Handmade. Okay. All imported. Candle stand, then set of, again, there's a candle stand. Okay. There's a candle in it. All right. Yes. Okay. Unless somebody wants to use them as glasses. Yes. And a set of glass. This is again imported. Very lightweight. Lightweight. You can feel it. Right? All right. And again, the bigger one. Then we have got flower vase, this basket, then the bed sheet. All right. I can show you. And this all is a part of scratch, yes. Scratch and win. Yes. So okay. It means any card will not go empty. All right. You know, there will be some gift.
Okay. Yes. So it could be either of them. Either of these. Yes. So the basic idea we'll share. Well, first we'll show two of you. Yes. This yes. kind of bed sheets we have. Yes. You can see this. You can win these bed sheets. Yes, bed sheets. Okay. Right. Then this bed cover. Okay. Again. This looks like a set to me. This is a set. Complete set. The bed cover, mm-hmm. set of two, I mean, cushion cover, then the pillow cover. Okay. Two pillow cover, there are five items in this. Five items, yes. Okay. Then this is one big comforter. You can see this, right? You can win this as well. Yes, you can win this as well, yes. All right, lovely. Yes. In this, along with comforter, there is a bed sheet also? No. This is only comforter. Comforter, but this is a heavy comforter. Okay. For heavy winter. All right, yes. Done. So you can win either of these. Yes. And what is the procedure now? Please tell us. So, customers who has got a bill of value of 10,000, mm-hmm. he or she will get a gift voucher, mm-hmm. that he or she needs to scratch it. Okay. And there will be a gift. All right. People, those who are sitting outside Alien, again, here, they don't need, the procedure, they don't is have same. To worry. Yes. Online, they'll, somebody from the store, yes. or the traders, yes. will scratch it for you. Yes. This shop for 10,000, yes. rupees, and you will get one scratch card. Right. Right. And no scratch card will go blank. I'm yes. so sorry. I'm just repeating this. Whatever you have said. But to make it more clear. Right. Then there is one more offer on shopping value of rupees 25,000. The customer will get two gift vouchers that can be redeemed on carpets. Okay, it has a valuation of its own? 1,000 rupees each. Alright, so shop for 20,000 rupees, you get two vouchers. Extra vouchers. Two extra apart vouchers. From this scratch. In addition to that? Yes, yes. Okay, you yes. get a scratch card and also you get? Yes. You get two scratches cards? Yes. You get two vouchers? Yes. Each yeah. voucher worth rupees 1,000 rupees, that can be redeemed on? Buying carpets. On MRP? Not MRP, again that on wholesale value. On the wholesale? Yes, on last discounted time price. I remember it was on MRP. No, but this time, this is on discounted price. Okay. So I'll make it more clear. Uh-huh. Suppose a carpet having an MRP of 10,000 and after discount or on wholesale price or net value, uh-huh. the amount comes to 6,000. Uh-huh. Then the 1,000 will be rupees, 1,000 will be rupees off again. There will be one further discount of rupees 1,000. That is again through the gift vouchers. Normally don't somebody discount. Waiting for you, I know. There are. Yeah. Okay, I'm so sorry for keeping you. No, not an issue. Sir. Okay. Yeah. So, got it. And third one? The 50,000, again the bill value, if the bill value is of rupees 50,000, the customer will get three gift vouchers. Again buying a hand. Again, that will be of rupees 2,000, one voucher of rupees 2,000 and again 2,000, two vouchers of rupees 1,000 each. All right. That is on 50,000 rupees bill value. So it becomes 1 plus 2 plus 3. So it becomes 3. Yes. Right.